Which apartment to buy? Whether should I buy it or rent it? Is real estate good for investment? What things should I take care of while buying a house? ये सारे questions आपके दिमाग में आते होंगे जब आप घर खरीदने या invest करने के बारे में सोचते होंगे। हमारे इस podcast में आपको आपके इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। Hello and स्वागत है आपका दोस्तों to our first podcast Real Estate Myths vs Facts। हमारे first episode होने वाला है बहुत ही ज़्यादा insightful and special। बिकॉज हमारे साथ है रियल इस्टेट गुरु, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने 10 साल पहले कीज 90 की नींव रखी थी और आज पिंक सिटी में उनका नाम रियल इस्टेट की दुनिया में सब जानते हैं। ही ऑल्सो रिसेंटली वन यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो लेट्स वेलकम नन अदर देन रियल इस्टेट गुरु सुशील सोनी। फर्स्टली थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। हाई, थैंक यू बुनीश एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी इन दिस वंडरफुल स्टूडियो। राइट एंड थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स फॉर मी। एंड जो आपने गुरु वाली बात बोली उस स्टेज पर अभी तक मैं नहीं पहुंचा हूं, लेकिन यस आई एम ट्राइंग टू बी के मेरे एफर्ट्स से या फिर मेरे जो भी आज तक एक्सपीरियंस है उससे जो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाले लोग रियल स्टेट में कुछ करना चाहते हैं कुछ गलतियाँ हैं जो वो अवॉइड करके शायद एक सक्सेसफुल पाथ अपना डेवलप एंड क्रिएट कर सकते हैं। तो आई एम ट्राइंग ऑन दैट पाथ। So thank you so much Definitely, for having me sir, here. Because like young audience like us need that advice and taking out time for us is like really meant or not. Exactly. So sir, we have heard so much about you. So एक बार आपसे भी जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में and what inspired you to get into the real estate. Yeah, Punish, it was really very interesting journey because I started my career 18 years ago, right? Okay. And when I completed my MBA, so first of all, I was not very extraordinary student, right? So जब भी क्या होता है कि कोई भी MBA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री के आप ऑलमोस्ट एंड पे होते हो तो राइट तो सब ये सोचते हैं कि अब हमारे करियर में आगे क्या है, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, राइट। सो MBA के लास्ट में एंडिंग आते आते ये होता है कि भाई अब यहाँ पर प्लेसमेंट्स आएंगे, कुछ कंपनीज आएगी, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है मुझे इस सेक्टर में जाना है, इस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है, इस सेक्टर में ज़्यादा पैसा है, कोई इंश्योरेंस, कोई ऑटोमोबाइल, कोई जिसको जो पैशन होता है वो वैसे आता है, राइट। सो ये मेरा शुरू से एक ड्रीम रहा था कि मैं किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को चुनूं या फिर एक ऐसी इंडस्ट्री को चुनूं जो अपने आप में बहुत बड़ी हो और स्केलेबल हो, राइट। सो यस, रियल स्टेट वाज दैट जो मैंने शुरू से सोचा था और मेरा बस एक ही ड्रीम था कि मैं कैसे भी इस इंडस्ट्री में एंट्री ले लूं। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ में एंट्री लेते हैं तो हमें मतलब वो एक एंट्री एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमें नहीं पता होता कि आगे जाके क्या होने वाला है, बट जो आपका ड्रीम होता है अगर आपने वहां पर एंट्री ले ली तो आगे रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आप कितने एफर्ट्स करते हो, कितनी मेहनत करते हो और मतलब कितने मैन आवर्स आप अपने उसमें डेडिकेट करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बाद जब मैंने रियल स्टेट में एंट्री ली, आई वर्क फॉर 2-3 डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, फॉर 2-3 years। माई लास्ट कंपनी वॉज फेलिसिटी ग्रुप, I did there for 5 years as a general manager of the company. Then I decided that yes, there are certain, because क्या होता है किसी भी चीज़ में आप 8 years एक साथ निकाल लेते हो ना, तो आपको वहाँ के challenges पता चलने लग जाते हैं कि challenges as a industry क्या हैं, ठीक है, problems इस industry में क्या है, pain point इस industry में क्या है, right? So उन सारे pain points को और challenges को देखते हुए मुझे लगा यार there is a scope of you know improvement, ठीक है, जो मैं अपने लेवल पे कर सकता हूँ। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ यू नो अर्निंग्स जो अगर मैं कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, राइट, इन अ इंडस्ट्री, ठीक है, वे ऑफ वर्किंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रियल स्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू से एक देखी गई है कि एक बड़े कन्वेंशनल थॉट एंड मेथड्स पे चलता है रियल स्टेट, राइट। सो जो भी प्लेयर्स यहाँ पर है सो कॉल्ड, अगर हमें रियल स्टेट में आना है और एज अ रियल स्टेट एजेंट बनना है तो हमारा कॉम्पिटिशन रियल स्टेट एजेंट से ही होगा, राइट। सो जब हम अपने कॉम्पिटिशन को एनालाइज करते हैं या फिर हम देखते हैं कि यार ठीक है मैं अगर जॉब छोड़ के ये स्टेप लूंगा तो अब आगे मेरे को क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या कॉम्पिटिशन मेरे को मिलने वाला है, राइट। सो उस कॉम्पिटिशन में मुझे लगा यार कि अभी मुझे लगता है देयर इज अ स्कोप, बहुत स्कोप है, अगर मैं स्टेप लेता हूँ तो मैं आई कैन बी अ यू नो गेम चेंजर, ठीक है, मैं बहुत कुछ ऐसा कर सकता हूँ जहां पर शायद कोई कंपटीशन ही नहीं है। इट मेक्स सेंस बिकॉज़ लाइक आपने ऑलरेडी इंडस्ट्री को इतनी क्लोज से 8 इयर्स तक देखा, सो यू हैव दैट विजन कि यार ये जगह प्रॉब्लम है, यू हैव दैट पाथ। मुझे बहुत पैशन था, मतलब ड्यूरिंग माय जॉब मैं जो सपोज अगर आप कोई भी कंपनी में जाएंगे तो सेल्स एंड मार्केटिंग वॉज माई डिपार्टमेंट, बट देर आर सर्टेन मोर डिपार्टमेंट्स, राइट, सेल्स एंड मार्केटिंग भी होता है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होता है, फाइनेंस भी होता है, फिर उसके बाद बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट भी होता है, बट जो मेरे डिपार्टमेंट नहीं भी थे ना मैं उसमें भी इन्वॉल्व रहता हूँ,
ठीक है, उससे उससे मुझे उन उन बारीकियों का भी पता चला कि यार कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ठीक है, कहाँ पर कोई भी डेवलपर क्या गलती करता है, ठीक है, कैसे उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, फाइनेंसिंग में क्या होता है, कैसे एक बिल्डर फंड रेज करता है मार्केट से, कैसे प्रोजेक्ट डेवलप होता है, कहाँ पर बिल्डर किन गलतियों की वजह से अटकता है, तो वो सारी चीजें मेरे को मतलब क्योंकि एक इंटरेस्ट था और जहां पर मेरे जॉब आवर्स एक यूजुअली 8 से 9 घंटे होते हैं, मैं 12-15 घंटे ऑफिस में बिताता था, ठीक है, मेरी फैमिली को हमेशा मेरे से कंप्लेन रही है, आज तक भी रहती है कि ठीक है मतलब जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, लेकिन ठीक है एक्स्ट्रा जब हम काम करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा रिजल्ट्स भी मिलते हैं, राइट, सो वो मैं आज फील कर पा रहा हूँ। बिल्कुल, सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, बिकॉज एक मैंने कोट सुना था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, व्हाट ही सेड, सो व्हाट ही सेड लाइक इफ यू आर गेटिंग 1 रुपी यू डू अ वर्क ऑफ वर्थ 100 रुपी, करेक्ट, ओनली दोस पीपल विल गेट द वर्क ऑफ 1000 रुपी सूनर और लेटर। बिल्कुल बिल्कुल सही, एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू आर कंप्लीटली डिवोटेड, मोटिवेटेड और पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पैशन इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब आप किसी को फोर्सफुली काम नहीं करा सकते, फोर्सफुली काम नहीं करवा, राइट, एंड 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे को शुरू से समझ में आई थी कि टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप एक स्टेज के बाद आपको ये लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप exactly. आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, राइट, सो फाइनली आफ्टर 18 ईयर्स आई कैन से आई हैव बिल्ड अ ग्रेट टीम ऑफ द इंडस्ट्री, राइट, सो जो भी अभी मेरी टीम है वो मैंने वो मतलब वो मेरी असली कमाई है पिछले 18 सालों। मेक सेंस, आई थिंक लोगों से बिजनेस बनता है। एग्जैक्टली, आप एक अपने लेवल पे आप एक स्टेज तक अचीव कर सकते हो, राइट, उसके ऊपर आपको जाना है तो यू नीड पीपल हु बिलीव इन योर विजन, बिलीव इन योर मिशन एंड सक्सेसफुली ग्रो। आई कैन रिमेम्बर माई फर्स्ट डील, तो जो मेरी पहली डील थी वो मतलब मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी क्योंकि मैं समझा ही नहीं पा रहा था, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा था, मतलब मेरे पास वो इनसाइट्स उस समय नहीं थी। तो सबसे पहले जब मेरे को ये समझ में आया कि अनलेस मेरे अंदर वो इनसाइट्स नहीं आएगी, मेरे अंदर वो नॉलेज स्किल्स मैं डेवलप नहीं करूँगा ना, तब तक मैं क्लाइंट को भी कन्विंस नहीं कर सकता, राइट, क्या है कि अगर जो मैंने भी आपको बात बोली कि एक कन्वेंशनल थॉट और एक मॉडर्न थॉट में डिफरेंस क्या है, कन्वेंशनल थॉट में तो क्या है कि एक रियल एस्टेट एजेंट को क्या बोला जाता है, मतलब बेसिकली क्या है कि उनका काम क्या है, प्रॉपर्टी दिखाना, दो लोगों को मिलाना एंड द डील इज क्लोज, तो डील मिलती है तो कमीशन मिलता है, बट ये तो एक मतलब उसका एक बहुत छोटा पार्ट है, इट्स अ स्मॉल वर्जन, और 99 तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ 70-80% लोग इसी वर्जन पे काम करते हैं, राइट, बट अच्छा इस वर्जन से जब हम आगे उठते हैं, इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है कि अब आपका कॉम्पिटिशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि आप तो बहुत एक्स्ट्रा दे रहे हो जिसकी जरूरत भी मतलब जिसकी एक्चुअल जरूरत तो है लेकिन वो डिलीवर नहीं करता, बट एंड व्हेन यू डिलीवर एक्स्ट्रा, एग्जैक्टली व्हेन यू डिलीवर एक्स्ट्रा देन डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ फॉर यू इन द मार्केट दैट गोज हाई, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस, एग्जैक्टली, सो हमारी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है, लेकिन हमारे इनपुट्स बहुत ज्यादा है, तो हम बहुत कम मार्केटिंग कॉस्ट पे हमारे पास बहुत क्लाइंट्स रहते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली, सो एक एडवर्टाइजमेंट से कोई क्लाइंट का आना और एक आपकी गुडविल से आपके किसी क्लाइंट का आना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि दैट इज द लॉन्ग टर्म पे वही आपको हेल्प करेगा, रिकमेंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिकमेंडेशन इज द रियल असेट फॉर एनी कंपनी, राइट, जितनी भी बड़ी कंपनीज आप देखोगे तो सब वो बड़ी इसलिए बनी है क्योंकि वो हाईली रिकमेंडेड है, फोन लेना है तो एप्पल लो, मतलब वो मतलब उन्होंने गुडविल बनाई है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बन गए, कस्टमर इनसाइट, कस्टमर वैल्यूज को समझा, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को समझा, उसको सॉल्व किए हैं, ठीक है, और बहुत मिनट्स में सॉल्व किए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आप वैल्यू समझोगे बिजनेस अपने आप ही बन जाएगा, एग्जैक्टली, makes sense, so like yeah. truly sir your story is like really inspiring, to ab like aapke professional child pe aate hain keys 90, so yeah. what exactly is keys 90 and what was your vision behind launching it? Yeah, when I left my last organization, ठीक है, उससे पहले मैंने उस पे working चालू कर दी थी keys 90 के ऊपर, ठीक है, तो keys 90 का एक simple vision था कि हमने जब me and my one of my co-founder तो आज वो मेरे अच्छे friend है लेकिन वो अभी company में मेरे साथ नहीं है because he had some more commitments, तो जब हमने कंपनी को स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि यहाँ पर कहीं पर भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, राइट, एंड क्या क्या चैलेंजेस है, जब हमने चैलेंजेस को लिस्ट आउट किया, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास आज भी है, जब चैलेंजेस को लिस्ट आउट किया तो हम वी एंड अप एट 90, सॉरी सर इंटरप्ट, लाइक कितने साल पहले की बात होगी ये, इसे 10 ईयर्स अगो, वो आपके पास अभी भी है, एग्जैक्टली, तो वो जो लिस्ट ऑफ चैलेंजेस थे ना कि यार यहाँ पर अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, अच्छा एज अ क्लाइंट भी हमने कुछ करके देखा,
तो भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम मिली। एज अ एजेंट, हमने एजेंट परस्पेक्टिव से सोचा, तब भी कई सारी प्रॉब्लम थी। एज अ बिल्डर परस्पेक्टिव से सोचा, लोग बोलते हैं बिल्डर हर जगह गलत होता है, लेकिन कई बार बिल्डर के लिए भी कई चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो डिलीवर तो करना चाहता है बट वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, ठीक है। और क्या है कि अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत वोलेटाइलिटी रहती है हर चीज़ के अंदर, वेदर इट इज़ अगर आप पिछले 10 से 12 सालों को उठा के देखोगे ना, तो यहाँ पर राइट फ्रॉम GST, कोविड, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेबिलिटी, नोटबंदी, तो ऐसी कई सारी चीज़ें आई थी, तो जिसके जो चैलेंजेस होते हैं ना, उन चैलेंजेस से फिर हमारी लिस्ट बड़ी होती गई और उस लिस्ट को हमने 90 तक पहुँचा दिया। नाउ 90 प्रॉब्लम्स एंड देयर इज अ सिंगल सॉल्यूशन, दैट वाज कीज 90। सो दैट वाज द डे देन वी डिसाइडेड दैट लेट्स डू इट कीज 90, है ना। देन फिर वी इंट्रोड्यूस अ वेरी वर्ल्ड क्लास वेबसाइट, ठीक है, हमने एक बहुत अच्छी वेबसाइट, एक पोर्टल बनाया। हमने लीड मैनेज करने के लिए हमने अपने खुद के सॉफ्टवेयर डेवलप किए, ठीक है, क्योंकि माय पार्टनर ही वाज ब्रिलियंट, आई मीन वो टेक्नोलॉजी के मास्टर थे, ठीक है। तो हम जब शाम को बैठते थे तो वो भी कहीं ना कहीं किसी कंपनी में कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं भी कर रहा था क्योंकि अब तक हमने स्टार्ट नहीं किया था। तो हम रोज शाम को प्रॉब्लम डिस्कस करते थे और वो नेक्स्ट डे उसके टेक्निकल सॉल्यूशंस पे आ जाते थे। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। सो हमने इसको बिल्कुल बहुत प्रोफेशनली एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी के तौर पे हमने इसको स्टार्ट किया था। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक आज की डेट में अगर आपको लाइक कोप अप करना है किसी भी बिजनेस के साथ, तो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है अगर आपको स्केल करना है। एग्जैक्टली, अगर आपको एक या दो प्रॉपर्टी देनी, देन इट्स ओके, बट इफ यू हैव टू स्केल एंड सर्व द क्लाइंट टू द बेस्ट पॉसिबल वे, डेफिनेटली, सो यू हैव टू इंप्लीमेंट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कीज 90 का बहुत लाइक अच्छे वे में ये कर पाया, तभी आज लाइक even if I talk about especially in Jaipur, like everyone wants to work with Keys 90. Exactly. And wants to associate with Keys 90. Like, bilkul. I've seen many like real estate agents, so that when I was working, Keys 90 mein mai koi connect hai, to mere ko connect karo, I want to work with them. Right. So that goodwill has taken time, but you guys have made it. Thank you so much. बिल्कुल। So like अगर मैं बात करूँ कि हर industry में से transparency का role बहुत ज़्यादा रहता है, but like somewhere I feel like personally and I've heard also कि real estate industry में ये थोड़ा सा missing है transparency, but जहाँ पे इतनी बड़ी money involved है, इतने सारे लोग involved है, so according to you, what role this transparency plays and why it is so much important and how we can do that? Punish, major problem जब हम वर्ड यूज करते हैं ना ट्रांसपेरेंसी, राइट, होता क्या है, कोई एक कई ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पर हम मेजर कर पाते हैं, ठीक है, कि मैंने 1 kg कोई चीज खरीदी, तो हमने जब उसको हमने उसका मेजरमेंट किया तो 1 kg है या नहीं, नहीं है तो मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, है ना। बट रियल स्टेट में जब हम कुछ भी करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के कोई मेथड आज तक बने नहीं, मतलब यूनिट नहीं है। लेकिन अब अगर हम बात करें अभी की, मतलब नाउ 2024 में अभी हम लोग बैठे हैं, ठीक है, और अब जिस तरीके से आगे चीजें जा रही है, ठीक है, राइट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, राइट फ्रॉम अदर एजेंसी साइड, जो कस्टमर साइड, क्योंकि सबसे बड़ा जो सिखाने वाला होता है ना वो क्लाइंट होता है, ठीक है। आप जब जिस क्लाइंट के साथ कोई भी इश्यूज आए ना, दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी, नेक्स्ट टाइम अगर उसने वापस कोई स्टेप लिया है तो उसने उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस किया, राइट, एंड देयर इज अ लिस्ट ऑफ इश्यूज जहां पर हमें समझ में आता है कि यार ये दीज आर द ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, एग्जैक्ट, ठीक है, अभी वो एड्रेस होना स्टार्ट हो गया। तो रियल स्टेट, अच्छा, अभी आपने देखा भी होगा पिछले कुछ सालों में पोस्ट कोविड अगर आप देखोगे तो ड्रास्टिक चेंजेस आए, एग्जैक्ट, ठीक है, सारे डायनामिक्स चेंज हो गए मार्केट के और इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, स्पेशली जयपुर मार्केट, तो इट इज गोइंग लाइक एनीथिंग। तो वो इसीलिए क्योंकि जो लोग रियल स्टेट से बचते थे वो इसलिए बचते थे क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इशू था, ठीक है, और अब जो लोग धीरे धीरे वापस अब इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं वो इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि उन इश्यूज के कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस आ चुके हैं, राइट, चाहे आप रेरा की बात करें, चाहे आप कोई किसी भी चीज की बात करें, राइट, चाहे आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, पहले डॉक्यूमेंटेशन की कोई वर्थ एंड वैलिडिटी नहीं थी, मतलब ठीक है, कई बार तो लोग लिखा पढ़ी कर लेते थे पेन से और साइन कर दिया, हो गया डॉक्यूमेंटेशन, राइट, उसमें इतने बड़े बड़े सौदे हो जाते थे, ठीक है, और वहीं पर फिर वो फंसते थे और उसी के बाद फिर बदनाम क्या होता था, इंडस्ट्री बदनाम। आप पहले ही हर चीज को, आप मैं तो ये कहता हूँ, कोई आपका दोस्त भी है या फिर कोई आपका सगा भाई भी है, आप जिस काम को जिस प्रोसेस से करना होता है ना, आप उसी प्रोसेस से करोगे तो लॉन्ग रन में यू फील योरसेल्फ हैप्पी, ठीक है ना। नहीं तो हर चीज हमेशा स्ट्रेट नहीं चलती है,
चीजें हमेशा समय का पता नहीं है चीजें, और एक ही चीज है जो चीज बोलती है वो होते पेपर्स. एग्जैक्टली. एंड व्हाट इज रिटन इन द पेपर. Exactly. That's very important. जो formal communication है, that is very important. That is very important. Because so, एक घर इंसान life में एक बार purchase करता है. Exactly. Most of the people, yes. Like investments होते हैं, but so it is very important to secure that thing. Exactly. Definitely. I think that's a really good insights. So like आज की जब मैं generation देखता हूँ कि like many people because सबको बाहर से बहुत real estate industry lucrative लगती है. यार इतना पैसा है इस industry में. It's a fancy industry. Exactly. क्या लोग हजार करोड़ की बातें कर रहे हैं और किस industry में आपको हजार करोड़ की बातें सुनने को मिलेगी. So like और many people खाली ये lucrative world देख के real estate agent बनने निकल गए. Correct. क्योंकि आपको कोई professional degree नहीं चाहिए as a as far as I read की real estate agent बनने के लिए. Correct. So अगर आप According to you, like, what is the real definition of real estate agent? यार बुनिश, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट करते हुए बताऊंगा कि what is the definition of doctor? Exactly. ठीक है, what is the definition of architect and what is the use of architect? Right? कोई घर बनाना है तो क्या है, कुछ चार दीवारें तो खड़ी करनी होती है, एक बाथरूम बनाना है और ये बनाना है. ठीक है, मैं भी आकर यहाँ पे किचन होगा या बाथरूम होगा, ठीक है, बन गया. देन वट इज द यूज ऑफ आर्किटेक्ट, वट इज द यूज ऑफ डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल स्टोर है ना कि हाँ ये दवाई मुझे दे दे क्योंकि मुझे पता है कि ये होगा. जब तो जब सब काम कोई भी इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट की जब बात आती है ना, चाहे वो डॉक्टर हो, बिकॉज ही स्पेशलिस्ट, उन्होंने उसमें टाइम डिवोट किया है, उन्होंने उसमें एजुकेशन लिया है, एक्सपीरियंस लिया है, और वो आपको राइट सॉल्यूशन दे सकते हैं. उस तरीके से हम डॉक्टर के पास जाते हैं. ठीक है, आर्किटेक्ट एक बेस्ट एक प्लान दे सकते हैं हमें. ठीक है, इसलिए हम उसके पास जाते हैं. नाउ अगर हम रियल स्टेट एजेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बात इसलिए अब तक रिलेट नहीं होती थी क्योंकि रियल स्टेट एजेंट बनने के लिए कोई भी एंट्री बैरियर नहीं. एंट्री बैरियर, राइट? अच्छा, एंट्री बैरियर नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी, मेरे चाचा ने मुझे बोला कि मुझे एक प्लॉट खरीदना है, मैं उसी दिन एजेंट बन गया. उसी दिन एजेंट बन गया, है ना? मैं उसी दिन एजेंट बन गया. अपनी फैमिलीज में भी देखते हैं कि यार वो बिकने को आया, मैं देखता हूँ, मैं बेच देता हूँ. मेरे अगले दिन एजेंट बन गए. पड़ोस में एक कोई घर बिका हुआ है और चार लोग वहां पे देखने आ रहे हैं और मुझे लगा यार क्यों ना मैं ही करा दूं ये काम, तो मैं उसी दिन एजेंट बन गया. सो एग्जैक्टली, मतलब इट्स क्वाइट फनी, बट आज हम कोई मजाक नहीं कर रहे. exactly. मतलब आज रियल स्टेट एजेंट या कोई भी इंडस्ट्री, हम कोई भी काम कर रहे, काम इज नॉट मजाक. ठीक है, तो जब तक हम रियल स्टेट के अंदर हम प्रॉपर एजुकेशन लेकर नहीं आएंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस विद टाइम आता है, दैट्स बाय प्रोडक्ट, है ना? हम किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं, हम उसके जो बेसिक एजुकेशन के पैरामीटर होते हैं या बेसिक चीजें तो हमें पता ही होनी चाहिए. exactly. हम उससे एंट्री लेते हैं, विद टाइम हम एक्सपीरियंस लेते हैं. ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद हम उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमारी वैल्यू बढ़ती है. ठीक है, और उसी बेसिस पे कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट करके, क्योंकि बेसिकली इट्स अ मिडिल मैन, है ना? तो उसका रोल सबसे बड़ा होता है, बायर सेलर के बीच में जो है उसका रोल सबसे बड़ा होता है. दैट्स हाउ. प्रॉब्लम क्या है, क्यों रियल स्टेट एजेंट को अगर आप 100 में, मतलब 10 डील्स के अगर एक सैंपल साइज को अगर हम लेते हैं तो ओनली 5-6 लोग ही प्रेफर करते हैं टू गो विद रियल स्टेट एजेंट. बाकी लोगों को क्या लगता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजेंट यार? exactly. मतलब ठीक है, एजेंट का रोल क्या है, मैं ले ही लूंगा ना, मैं भी तो ले ही लूंगा, बैक बिल्डर से ले लूंगा. ऐसा क्यों? क्योंकि उनको वो वैल्यू नजर ही नहीं आती. तो वैल्यू क्रिएट कब होगी, जब कोई भी एजेंट इस इंडस्ट्री के अंदर आता है और वो बेसिक एजुकेशन के साथ आगे बढ़ता है. एटलीस्ट उनके पास वो सारे सवालों के जवाब होने चाहिए जो होने चाहिए, कुछ ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, कुछ एंट्री बैरियर्स, कुछ एग्जामिनेशन होना चाहिए. जब वो सब होके जब एक वो आता है तो एटलीस्ट आप मतलब एक सेफ हैंड्स में क्लाइंट अपने आप को फील करता है. मेक सेंस, राइट? सो रियल स्टेट एजेंट बनना इजी है, ठीक है, बट एक रॉकस्टार रियल स्टेट एजेंट अगर बनना है ना, तो उसके लिए सिर्फ ये बेसिक क्वालिफिकेशन भी काम नहीं करेगी. exactly. उसके लिए फिर आपको डे ऑन डे इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड यू शुड बी पैशनेट. एग्जैक्टली. सो लाइक आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा ये वाला, एंड इससे लाइक मैं अलग लेवल पे कनेक्ट कर पाया कि बिकॉज आजकल अपन वो चीज बहुत देख रहे हैं कि लाइक पीपल प्रेफर कि डायरेक्ट अपन बिल्डर से क्यों नहीं डील कर रहे. सो अकॉर्डिंग टू यू लाइक वायर शुड देश इज अ नीड ऑफ रियल एस्टेट एजेंट बिटवीन दैट डील कि that because how real estate agent is safeguarding to both side. So people are not understanding it. कि they a huge money is involved, huge risk is involved, who is responsible for that. So if you want to highlight on something, why real estate agent is important between the real estate deal. What is it, if it's a good real estate agent, what is its exact role for that? Punish, जब पहले के समय में जब दो लोगों में झगड़े होते थे ना, तो वो कोर्ट तक नहीं जाते थे.
ठीक है, किसी भी बात पे। तो उसके लिए ना कोई ना कोई गांव की कमेटी होती थी, ठीक है, सरपंच होते थे, वो लोग बैठते थे और वो डिसाइड करते थे, वो दोनों की बात सुनते थे और वो डिसाइड करते थे कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग, ठीक है, और उनकी बात को मानना पड़ता। मिडिल मैन का इम्पोर्टेंस ये है कि जब भी डील होती है तो वो दोनों के बीच में उस समय अवेलेबल होता है, राइट। सो पहली चीज, कोई भी एक पार्ट है, देयर आर टू पार्ट्स, वन इज सेलर वन इज बायर, कोई भी एक पार्ट है, हो सकता है वो किसी भी रीजन से, मैं तो कहता हूँ उनकी नीयत खराब नहीं थी बट अंडरस्टैंडिंग इशू था, वो समझ नहीं पाए कि क्या बात हो रही है, ठीक है। उस समय कोई ना कोई तो बीच में होना चाहिए जो उनको सेफ गार्ड करे, या फिर आप लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को आप डिस्प्यूट पे लेके चले जाओगे, राइट। बोथ पार्टीज एग्जैक्टली, आप बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी किसी भी क्लाइंट को लेनी है, बिल्डर इज अ बिल्डर, उसके लिए अपना बच्चा सबसे बेस्ट है, एग्जैक्टली। और यू आर वन क्लाइंट, और आपके जैसे उनके 100 क्लाइंट, किसी के 100 है, किसी के 500 है, किसी के 1000 है, ठीक है ना। तो वो हर एक क्लाइंट को स्पेशल ट्रीट नहीं कर सकता, एग्जैक्टली, ठीक है ना। लेकिन जब एक एजेंट इन्वॉल्व होता है तो वो जो उनके SOPs बने होते हैं, जो देखो हर बिल्डर के अपने SOPs होते हैं, सबका अपना वर्किंग स्टाइल होता है, ठीक है। बायर को नहीं पता होता कि किसका क्या स्टाइल है, उसको सिर्फ एक घर चाहिए, ठीक है। अब जब एक बार एडवांसेस हो जाते हैं, उसके बाद जब पेपर वर्क होता है, जब पजेशन होते हैं, तब कई सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जहां पर बिल्डर का सिंपल ये कहना होता है कि यार नहीं ठीक है, हमने तो पहले बता दिया था, ठीक है ना। अब आप किसको बोलोगे, हु इज मीडिएटर, सही बात, ठीक है, जो आपको आपके लिए सेफ गार्ड कर सके। सिमिलरली कुछ पेपर्स, कुछ जो पेपर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होते हैं बिल्डर ने आपको साइन करने के लिए भेजा, हु विल चेक दोस पेपर्स, है ना। कुछ भी मतलब आपने तो कुछ भी साइन कर दिया, इसका मतलब है ना, इतने बड़े बड़े पेपर तो कोई पढ़ता तो है नहीं, सही बात है। बट अगर कोई रियल स्टेट एजेंट जो एक्चुअली एक क्वालिफाइड एजेंट है, ठीक है, उसका काम ये है कि वो उन सारे पेपर्स को पढ़े ऑन द बिहाफ ऑफ बायर, क्योंकि वो बायर को सेफगार्ड कर रहे हैं। कल को बायर को प्रॉब्लम आती है तो रियल स्टेट एजेंट कैन नॉट से कि नहीं यार मेरा काम तो सिर्फ दोनों को मिलाना ही तो था, वो नहीं होना चाहिए। I think that is a real definition. He is really a real estate agent. Exactly. Not just a middleman. He should be understandable कि उसकी responsibility कितनी बड़ी है. Like he is the anything if anything goes wrong, he is the person who should be responsible for that. Exactly. And real estate agent जब जिनको काफी सालों का experience जब हो जाता है, तब उनको पता होता है कि बिल्डर इनसाइट्स क्या है, उनके पास उनके financial conditions कैसी है, ठीक है, whether they will be able to deliver or not. ठीक है, टाइमली डिलीवर और नॉट, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, कितने उनके अनहैप्पी कस्टमर्स हैं, कितने हैप्पी कस्टमर्स हैं। सो इफ बिफोर बाइंग एनी हाउस और एनी रियल स्टेट प्रोडक्ट, इफ यू कंसल्ट विद अ क्वालिफाइड रियल स्टेट एजेंट, सो ही विल एबल टू टेल यू दैट सर आपकी चॉइस तो ये है लेकिन रिपोर्ट अच्छी नहीं है, वी कैन सजेस्ट यू इवन बेटर, है ना। तो आप राधा दंजन साहब ये ले लो, ठीक है, थोड़ा महंगा ले लो। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार क्लाइंट रियल स्टेट एजेंट को सिर्फ इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि एक कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशंस उनको लगता है कि उन पे लोडेड है। एग्जैक्टली, समटाइम्स जब बिल्डर से डायरेक्ट डील होती है तो क्लाइंट से कभी भी कमीशन नहीं ली जाती किसी भी एजेंट के द्वारा, ये हमारे इंडस्ट्री में है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्लाइंट को लगता है मुझसे तो नहीं ले रहा, लेकिन अगर मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो बिल्डर की प्राइस में लोडेड है कमीशन। ये बहुत मतलब वो बहुत साइकोलॉजी है जो इंडियंस में स्पेशली बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, तो बोले बिल्डर के अगर प्राइस में मतलब एक इसके लिए तो आजकल मैंने ये एग्जांपल रोज सुना है कि तेल तिलों में से ही तो निकलता है, ठीक है ना। तो बोले जो हम जो चीज परचेस कर रहे हैं, जो हम मकान या कोई भी प्रोडक्ट हम रियल स्टेट हम परचेस कर रहे हैं उसके अंदर अगर मैं आपके थ्रू जाऊंगा या फिर मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो उसमें डिफरेंस ही आ जाएगा कि जो फॉर एग्जांपल 1% 2% जो भी आपका कमीशन है वो मैं मुझे डायरेक्ट डिस्काउंटिंग मिल जाएगी। Exactly. बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा मतलब कभी भी ये नहीं होता, मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में नहीं देखा कि कोई भी बिल्डर आपका कमीशन डायरेक्ट डिस्काउंट कर रहा है या फिर वो कर रहा है। मतलब इट इज अ वेरी गुड सिचुएशन व्हेन यू गो विद अ रियल एस्टेट एजेंट, तो वो आप को नेगोशिएट करने में बेटर हेल्प करेगा। Exactly. क्योंकि उसको बॉटम पता होता है, उनको पता होता है कि यहाँ तक ये डील हो सकती है। Exactly. राइट। सो यूजुअली क्या होता है कि स्टार्टिंग एक MRP प्राइस होती है हर एक जगह, ठीक है, फिर नेगोशिएशन होते हैं, बट नेगोशिएशन की डाउनलाइन और लिमिट क्या है, बॉटम लाइन क्या है, Exactly. वो किसी को नहीं पता होता, बट वो एजेंट को पता होता है। सो हायरिंग अ गुड एजेंट इज लाइक एज इंपॉर्टेंट एज बाइंग अ हाउस। पता चला हम 2 लाख बचाने के चक्कर में हम 5 लाख ज्यादा देकर आए, 5 लाख और they don't even realize it, they don't even realize plus they do not have any safeguard of the deal। नहीं पुनीश, realize उस समय नहीं होता,
बट आप सपोज करो किसी अपार्टमेंट किसी 100 यूनिट्स के प्रोजेक्ट में आपने फ्लैट लिया पोजेशन पे जब आप रहने गए और जब लोगों से तब आप मिलते हो ना तब आपको समझ में आता है कि मैंने उसमें महंगा ले लिया था मतलब डिस्कशन तो ना बोले यार मैं तो ये सोच के गया था मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ मतलब मेरे तो डिस्काउंटिंग होनी चाहिए बट वो होता नहीं मतलब इट्स अ रॉन्ग वे बिकॉज चलो कमीशन अपार्ट फ्रॉम कमीशन देर आर सो मेनी थिंग्स जो एक रियल स्टेट एजेंट हेल्प करता है एक बायर को ठीक है थ्रू आउट हिज जर्नी क्योंकि ये जर्नी एक दो दिन की नहीं होती अगर प्री लॉन्च में ले रहे तो इट्स अ जर्नी अबाउट 4 to 5 years बिल्कुल राइट एंड अगर आप रेडी टू मूव इन ले रहे हो तो इट्स अ जर्नी ऑफ 2 to 3 months, 4 months, 5 months ठीक है तो जहाँ बड़ा पैसा इन्वॉल्व है एग्जैक्टली वहाँ पर देयर शुड बी अ बिल्डर And I think I personally very related to this because like when I was buying my first house, so like these problems came to me. Like I directly, like to be honest, I also thought that agent nahi karte, but direct builder ke paas jaate, we will get discounting. Right. So my agent, direct builder ke paas gaya and he showed me the property, like his salesperson ki yaar, oh, itni tarif kar yaar, ye bhi achha, ye bhi achha, ye bhi achha. And I got impressed. Ki yaar, achha bol raha yaar, sab kuch to sahi hai. Phir sat back on my father said ki consult an agent. And then when I consulted an agent, he showed me the real picture about the builder past records. Exactly. What will be the issue that you will face in this building after 5 years? Mm-hmm. He showed me the full picture of that. Mm-hmm. And luckily that happened. That actually happened after 5 years when I seen this building. People are struggling with those problems. Yes. And the deal that I got was way more better. And I'm like very happy with that deal. Mm-hmm. Because he is not dealing into only one property, he is dealing into multiple properties, so he can understand your need better and suggest you property that will suits you best. Bilkul. So I think that is equally important. Bilkul. Definitely. So like when I talk like on behalf of our young audience who is listening to this podcast, so what will be your advice to them? Like if someone is thinking upon entering into this industry as a real estate agent, so what will be your first thing? Like what should be the path he should take to become a good and successful industry? Like real estate agent like you. Purish, let me tell you, because I was always passionate about this real estate sector. ठीक है, I must tell you कि अगर और I am really very surprised कि जब भी एक career selection की बात आती है, जो majorly start होती है parents से, ठीक है, suggestions आते हैं, लेकिन selection जो होता है वो self होता है, right? Neither मैंने कभी नहीं सुना कि parents अपने बच्चे को एक अच्छा real estate agent बनाना चाहते हैं. कभी सुना है आपने? नहीं सुना, राइट? सो अच्छा, मैंने कभी भी ड्यूरिंग IITians या MBA एस्पिरेंट्स और ये जो भी हायर एजुकेशन में जाते हैं उनको भी ये बोलते हुए नहीं सुना कि यार मेरा अल्टीमेट गोल है कि मेरे को एक अच्छा रियल स्टेट एजेंट बनना है या मेरे को रियल स्टेट में एंटर करना है, राइट? बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखेंगे तो अगर अर्ली 40s में कोई अपने ड्रीम पूरे कर पाता है तो रियल स्टेट से जुड़े हुए लोग कर पाते हैं. ठीक है, नॉट अबाउट ओनली रियल स्टेट एजेंट, बट जो भी रियल स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं तो मेजरली राइट फ्रॉम बाइंग अ कार, बाइंग अ होम, ठीक है, गोइंग फॉर अ ट्रिप्स, तो ये कौन कर पाता है? वो जो रियल स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं वो मेजरली वो कर पाते हैं. आई एम नॉट सेइंग और कोई नहीं कर पाता. एग्जैक्टली. सो ये एक बहुत बड़ा गैप है. मतलब आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बस वो एक यही बात है कि यार रियल स्टेट एजेंट टैग खराब है, नाम खराब है कि मैं जैसे कई लोग बोलते हैं दलाल, ब्रोकर. तो देखिए यहाँ पर इस चीज को भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ब्रोकर और दलाल और रियल स्टेट एजेंट एंड कंसल्टेंट ये दो अलग अलग डेफिनेशन आएंगे. दलाल एक्चुअली ये बोलता है कि मेरा काम सच में मिलाना है और मैं इसमें इतना टका कमीशन दूंगा, आफ्टर दैट आई एम फ्री. बट ये कंसल्टेंट का रोल, कंसल्टेंट का रोल है मैं आपको कंसल्ट करूंगा व्हाट यू शुड गो, है ना, लाइक नॉट जस्ट डील, आपको एंड टू एंड, एंड टू एंड में दूंगा. तो ये जो एक डिफरेंशिएशन है ना लोगों के माइंड के अंदर कि नहीं यार मैं रियल स्टेट एजेंट बन रहा हूँ मतलब मैं दलाल बन रहा हूँ, या मैं रियल स्टेट एजेंट बन रहा हूँ तो मैं ब्रोकर बन रहा हूँ, तो इट इज नॉट दैट. सो इट डिपेंड्स के अगर कोई भी इसमें एंट्री लेता है और एक वो प्रॉपर अपने एजुकेशन लेवल को साथ में रखते हुए आगे बढ़ता है, सो इससे अच्छी इंडस्ट्री कोई नहीं है एज अ करियर, मैं आपको बता रहा हूँ. और आने वाला जो टाइम है इंडिया के अंदर स्पेशली, आप हमने भी कोई ग्रोथ नहीं देखी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ. ओके. कुछ ग्रोथ नहीं देखी है अभी हमने, मतलब एक्चुअल ग्रोथ अभी होनी बाकी है इंडिया के अंदर, ठीक है ना? हाँ. और उसके जो उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो जो भी उसके स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, वेदर इट इज अ बिल्डर, बिल्डर मीन्स गुड बिल्डर, ठीक है,
कॉलोनाइजर मीन्स गुड कॉलोनाइजर हु इज डेवलपिंग अ गुड कॉलोनी. ठीक है, कमर्शियल डेवलपमेंट मीन्स गुड कमर्शियल डेवलपमेंट इफ दे आर डूइंग. सो जो एक गुड की तरफ जा रहे हैं ना, जो जो अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो अगेन इसमें मैं ऐड कर दूंगा एजेंट मतलब अ गुड एजेंट. गुड एजेंट एग्जैक्टली. सो जब हम उसमें वो क्राइटेरिया डाल देंगे ना कि वो सारे हैं, तो उन सबको उसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. बहुत लॉन्गर रन में आप देखेंगे और बहुत शॉर्टर रन में आप उसकी ग्लिम्सेस देखना चालू कर देंगे. exactly. कि रियल स्टेट सेक्टर आगे बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है. नहीं डेफिनेटली, बिकॉज लाइक आई वाज स्टडीिंग अबाउट व्हेन आई वाज अबाउट टू शूट दिस पॉडकास्ट, आई वाज स्टडीिंग अबाउट यूएस मार्केट कि हाउ देयर दैट इज वर्किंग. सो देयर यू हैव, देयर इज अ प्रॉपर डिग्री कोर्स, प्लस यू हैव टू बी एटलीस्ट वर्क ऑन एटलीस्ट 3 इयर्स अंडर समवन टू बी नोन एज अ रियल एस्टेट एजेंट. करेक्ट. सो दैट आई हैव सीन कि यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू लाइक वर्क under for 3 years at least under someone to be known as real estate agent. So I think in India also government needs to put some thoughts upon that. Even the industry is so big, there's need demand of good people. Right. So there can be some path, there can be some courses, there can be some internship kind of thing that should be launched to support this industry. So Punish, through this podcast, मैं अपने viewers को बताना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम लोग एक जो basic real estate entry education system है, उसपे हम कुछ क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, जिसमें जिसमें जो 10 डेज का वो एक एक कोर्स होगा. ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ आप जो बेसिक्स ऑफ रियल स्टेट है उसको आप समझ जाएंगे. ठीक है, उन 10 डेज के इस मास्टर वर्कशॉप में आपको ये समझ में आ जाएगा कि रियल स्टेट में एंट्री में वो क्या बेसिक चीज है जो मुझे पता होगी. राइट, एटलीस्ट आप एंटर कर पाएंगे. देन देर आर सम मोर लेवल्स जो धीरे धीरे हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे. सो माई विश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में एंट्री करें. ठीक है, विद गुड नॉलेज लेवल. लेकिन एक ही कंडीशन है, यहाँ मेहनत शुरुआत में बहुत है, मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, और मेहनत यही नहीं, मेहनत हर हर जगह है, जो यंगस्टर्स के लिए भी आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हार्डवर्क बहुत ज्यादा है. मतलब सैटरडे संडे रियल स्टेट में नहीं होते. ठीक है, वहाँ सबसे ज्यादा वर्किंग रहता है. एग्जैक्टली, वो और जो और जब लोग फेस्टिवल्स एंजॉय कर रहे होते हैं, फ्री होते हैं, तब आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आज मैं फ्री हूं तो चलो आज कुछ देखकर आ जाते हैं. बिल्कुल. तो ये कुछ प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बट यस, अगर हम इससे ओवरकम कर जाते हैं और व्हेन वी कोप अप, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स है ना, वो उसमें बहुत ज्यादा कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं. मतलब ठीक है, वो आप पूरे कर सकते हो विद द कंडीशन कि हम अपना 100% दे रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. इट्स नॉट अ सीजन जॉब, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब. ठीक है ना, और पता ही नहीं चलेगा कि कैसे निकल, मुझे पता ही नहीं मेरे 10 इयर्स कैसे निकल गए. ठीक है, 10 इयर्स और हमारी जो कभी 100 की लिस्ट थी, आज मोर देन 10,000 कस्टमर्स हमारे पास, जो हमने क्वालिफाइड कस्टमर्स हमने हैंडल किए हैं, हमने डील किए. तो वो लिस्ट बढ़ती जा रही है और हमें अब मजा आने लगे और मजा आ रहा है. Exactly. तो जो मेरी क्वालिटीज थी, जो मेरी मेरे लिए इंस्पिरेशन थी, वो मैं अपनी टीम को दे रहा हूँ, तो देन हम हमारी टीम को भी और बिल्ड कर रहे हैं. सो लाइक ये लाइक जो आपने अभी लाइक बताया, सो इससे मैं क्वेश्चन पुट अप हो गया, 10,000 कस्टमर्स यू आर सर्विंग. सो एक कस्टमर, लाइक इफ यू हैव वन कस्टमर और 5 कस्टमर, वी कैन गिव देम दैट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. बट लाइक व्हेन एट द सेम टाइम वी आर डीलिंग विद 100 कस्टमर्स, सो हाउ कीज 90 इज इंश्योरिंग कि यार उन 100 को वो की वो क्वालिटी ऑफ सर्विस और वैल्यू मिले जो अगर सिर्फ हमारे 5 क्लाइंट होते हैं उनको मिल रही थी. यार पुरीश, इट्स प्रोसेस ओरिएंटेड, राइट, टोटली प्रोसेस ओरिएंटेड. अगर हमारे कुछ चेक पॉइंट्स हैं और जब तक हमारे चेक पॉइंट्स में सारे चेक्स नहीं होते, मतलब सारे राइट टिक नहीं होते, हम आगे बढ़ते ही नहीं है. ठीक है ना, और हमारे लिए 1 क्लाइंट भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए 100 क्लाइंट्स भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सबको आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती. मतलब ठीक है, कई डील्स तो ऐसी स्मूथ निकल जाती है जहाँ पर एक्चुअली हमें भी लगता है कि ठीक है इजीली सब कुछ हो गया. ठीक है, तो जो कुछ जगह जहाँ पर एक्चुअली उनको प्रॉब्लम्स आती है, वहाँ पर हम ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं. तो वी हैव अ टीम ऑफ एडवोकेट्स, अगर कोई लीगल इश्यूज आते हैं, वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट्स. ठीक है, तो वो उनसे रिलेटेड इश्यूज को वो हैंडल कर लेते हैं, एड्रेस कर लेते हैं. तो इस तरीके से, क्योंकि रियल स्टेट अगर हम एज अ होल बात करें तो इट्स नॉट अबाउट बाइंग सेलिंग, इट्स अबाउट there are some related industries which is included in the industry, involved in this. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल.
So like, sir, as an experienced real estate expert, what you will suggest to current Jaipur investors, like where they can invest and what points to keep in mind while investing? Like if you have some areas or like in which segment, in which sector they can invest to generate good returns out of their money? Purish, again, यहाँ पर दो बातें हैं. पहली बात कि हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं एंड यूज के लिए, या हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अपने पैसे को मल्टीपल करने के लिए, है ना? सो जब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अपने एंड यूज के लिए, अब वो कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन वहां पर हमें हमारा फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी खरीदनी होती है. ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जो होम बायर्स होते हैं. Exactly. ये बहुत बड़ी गलती करते हैं. क्या होता है, 2 BHK ले लिया, बट उनको ये नहीं पता था कि कुछ सालों बाद उनके बेटे की शादी हुई, बहू भी तो घर में आएगी, अब कमरा कहाँ से लाए, एक कमरा तो नया खरीद नहीं सकते उसी के अंदर. सही बात. ठीक है ना, तो फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए कि ठीक है, किसी के 2 बच्चे हैं, दोनों ही पढ़ने बाहर चले गए, अब किसी ने 5 BHK ले लिया, अब दोनों बच्चे बाहर है, वो क्या करे उस घर का. एग्जैक्टली, है ना. सो अच्छा, वहां पर भी एजेंट का रोल है. एग्जैक्टली. ठीक है, कि वो उनको बताए कि यार फ्यूचर में आपको, फ्यूचर तक की बातें हम लोग करते हैं, हम 10 ईयर्स डाउन द लाइन, 5 ईयर्स डाउन द लाइन की बातें हम अपने क्लाइंट से करते हैं. ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि यार जो मांग रहे कुछ भी दे दिया, चेप दिया, भेज दिया, हमें तो अपने काम से मतलब है ना, ऐसा नहीं. उनको लॉन्ग लास्टिंग वो चीज यूज में आनी चाहिए, काम में आनी चाहिए. ठीक है, और उनके वर्क प्लेस से वो कितनी दूर है, कितनी पास है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. क्योंकि आज बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस पे अगर आपका मकान है और आपका वर्क प्लेस है, ठीक है, तो लुकिंग एट द ट्रैफिक कंडीशंस, ठीक है, लुकिंग एट द फ्यूल कॉस्ट, वो ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं डैमेज करेगी. एग्जैक्टली, है ना. तो वो सारी चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए. ठीक है, सस्ते की जगह अच्छे की तरफ जाना चाहिए. होम बायर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब इट्स अबाउट कि आप रहने के लिए कुछ ले रहे हो. वो मतलब आपने जैसा स्टार्टिंग में बोला ना कि यार इंसान एक ही बार घर खरीदता है. Exactly. है ना. तो जब हम घर खरीद रहे हैं और वो हमारे लिए, हमारे लॉन्ग लाइफ के लिए, हमारे लिए वो है, आप रहने वाले हो, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि कुछ पैसे बचाने की तरफ टारगेट होना चाहिए. वहां पर आपके जो आपके रिक्वायरमेंट के जितने भी चेक पॉइंट्स है ना, वो सारे एड्रेस होने चाहिए एंड मीट आउट होने चाहिए. Exactly. है ना. तो होम बायर के लिए तो ये मेरी सजेशन है. ठीक है, कमर्शियली अगर अब आ जाते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट या फिर रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, जिसमें 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 मुझे उसमें रहना नहीं है या फिर मुझे एंड यूज नहीं करना, लेकिन मुझे अपने पैसे को मल्टीपल करना है, कि वेयर शुड आई इन्वेस्ट. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं जयपुर पर्सपेक्टिव में. तो होता क्या है, 3 चीजों का एक लूप बनता है. ओके. ठीक है, एक होता है कमर्शियल डेवलपमेंट, ठीक है, एक होता है रेसिडेंशियल डेवलपमेंट, और एक होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इन तीनों का एक लूप बनता है. ठीक है, जहां पर ये सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रखे होते हैं ना, या होने वाले होते हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ग्रोथ में. Okay. ठीक है, और इन तीनों को कॉम्प्लीमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आता है. Makes sense. ठीक है, तो जब भी हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, हमें ये नहीं देखना कि आज वो कितना डेवलप है, बट क्या नियर फ्यूचर या लॉन्ग फ्यूचर में क्या ये सारे लूप्स बन रहे हैं क्या वहां पर. Exactly. ठीक है, प्लस वहां की अप्रोच कैसी है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो लूप तो बन रहा है लेकिन वो है बहुत दूर जाके. ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली दूर है तो वो उसमें टाइम लगेगा. बट अगर हम स्मार्ट तरीके से अगर हम ये एनालाइज करते हुए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आप देखना, अब जैसे अजमेर रोड था. ठीक है, अब अजमेर रोड को तो कौन नहीं जानते, जगतपुरा को कौन नहीं जानता. ठीक है, मेजर रोड जयपुर के अंदर क्या है, अजमेर रोड है, जगतपुरा है, सीकर रोड है. ठीक है, दिल्ली रोड है. हाँ, दिल्ली रोड है, रिंग रोड आ गया. रिंग रोड आ गया, तो अब जैसे जब से रिंग रोड आया, तो पेरिफेरल जितने भी एरियाज है अपने आप डेवलप हो गए, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया. तो जहां पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट आएगा, तो वहां के लोगों के लिए रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट भी बनेगी, और जहां रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर कमर्शियल रिक्वायरमेंट होना लाजमी है. सब पूरा इकोसिस्टम क्रिएट, तो पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, तो वो पूरा एक लूप बन गया. तो अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ा रोल क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. एग्जैक्टली. ठीक है, वो किसकी तरफ से था, वो गवर्नमेंट की तरफ से था. अच्छा, गवर्नमेंट बहुत काम कर ही रही है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे. तो मुझे लगता है कि अगर जयपुर के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो होलिस्टिकली ऑल साइड्स कहीं पर भी आप चले जाओ जो आपको सूट करती है. ठीक है, वहां पर अगर ये सारे डेवलपमेंट कहीं पर भी आपको हो रहे हैं या होते हुए दिख रहे हैं, पुट योर मनी.
मतलब बंद करके लगा दो, यू विल गेट गुड रेट। आंख तो खोल के लगाना है लेकिन लगा दो, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब वो कंप्लाइंट होनी चाहिए, जो भी चीज है गवर्नमेंट कंप्लाइंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने देखो क्या होता है, कई बार लोग एग्रीकल्चर की तरफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं, ठीक है, बट एग्रीकल्चर में टोटल लीगैलिटी डिफरेंट होती है। एग्जैक्ट, ठीक है, उसके उसकी हिस्ट्री डिफरेंट होती है, उसके बहुत हिस्ट्री में जाना पड़ता है और कभी कोई भी प्रॉब्लम निकल गया। तो एज ए नॉर्मल मैन, एज ए लेमैन, वी शुड अवॉइड, इफ मतलब अगर हम इन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं घुस सकते ना, बहुत ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें स्ट्रेट चीजें लेनी चाहिए, क्योंकि एप्रिसिएशन हर तरफ है। मतलब ऐसा नहीं है हर चीज में, हर प्रोडक्ट में एप्रिसिएशन है, किसी में कम किसी में ज्यादा थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जाकर हम अटकने वाली सिचुएशन में। मेक्स सेंस जी, आई थिंक दैट्स कंप्लीटली लाइक रियली ग्रेट इनसाइट्स फ्रॉम योर साइड। तो लाइक एज वी नो लाइक जयपुर का रियल एस्टेट मार्केट अभी रिसेंट लाइक स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ है, बट स्टिल लाइक वी आर नॉट काउंटेड असाइड ऑफ गुड़गांव मुंबई पुणे काइंड ऑफ रियल एस्टेट मार्केट। So like what are your hopes from like Jaipur real estate market and where do you see like Jaipur real estate market will be there in the next coming 5 to 10 years? It's not just a hope, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आने वाला जो टाइम है 5 years 10 years, मतलब जयपुर जैसे मार्केट के लिए तो इट्स लाइक एनी थिंग। मतलब मुंबई या बेंगलोर पुणे जितने भी बड़े मार्केट्स को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो मार्केट ऑलरेडी एक लेवल तक जा चुके हैं, ठीक है। अब रियल स्टेट है, मतलब अगर आज आप सप्लाई की बात करेंगे सो देर इज अ लिमिटेशन, ठीक है, जमीनें पैदा तो की नहीं जा सकती, जो जमीन है वो है ठीक है, उसी पे डेवलपमेंट होना है, ठीक है, एक एक टाइम के बाद वो कहीं ना कहीं उसमें सैचुरेशन आएगा ही आएगा, सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है, जयपुर में अभी वो नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर कोविड, जो आपने पोस्ट कोविड की बात की है, पोस्ट कोविड के बाद क्या हुआ है कि जयपुर जैसे जयपुर और जो स्मॉल बी टाउनर्स के जो टाउन के जो लोग थे वो जाते थे ए क्लास सिटीज में, ठीक है, जाना प्रेफर करते थे, बच्चे जाना प्रेफर करते थे एजुकेशन के लिए कुछ बड़ी सिटीज में, ठीक है। अब वो सारी चीजें जयपुर के अंदर कहीं ना कहीं अवेलेबल होना शुरू हो गई है, ठीक है। सो अब क्या हुआ, जयपुर एक सबसे बड़ा स्टेट है, जयपुर इज अ कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। तो जो कैपिटल ऑफ राजस्थान जब जयपुर है तो यहाँ पर जितने भी राजस्थान के और जो स्मॉल टाउन्स विलेजेस के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैन पावर बहुत मिल रही है, मैन पावर बहुत होने की वजह से अब यहाँ पर कंपनीज भी आ रही हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज अब जयपुर को वॉच कर रही है कि जयपुर में अब हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि इनके लिए मैन पावर को यहाँ से वहाँ बुलाना दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो जयपुर में एम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, जयपुर में अच्छी हाउसिंग भी आ रही है, जयपुर में गवर्नमेंट मतलब अच्छा डेवलपमेंट भी कर रही है, तो मुझे लगता है जयपुर इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास सिटी आफ्टर 5 years। एग्जैक्टली, ठीक है ना। हाँ, और जैसे आपने सुना होगा महिंद्रा सेज पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा वो नहीं था, मतलब उसको बहुत ज्यादा वो बूस्ट नहीं मिला था, वो वहां पर डिमांड नहीं थी, बट अगर अभी आप देखोगे तो महिंद्रा सेज इज लाइक एनीथिंग। फागी रोड जहाँ पर कभी कोई डिमांड बहुत कम समय में, अगर आप देखेंगे अभी रिसेंट कुछ टाइम में तो डिमांड जनरेट हुई है और अब इतनी डिमांड हो गई कि वहां पर मिलना मुश्किल हो रही है चीजें। आई थिंक दिस प्रूव्स लाइक जो आपने अभी 5 मिनट्स पहले बात बोली थी कि जिन्होंने उस समय महिंद्रा सेज में इन्वेस्ट कर दिया 5 ईयर डाउन द लाइन सोच के, नाउ दे आर मेकिंग एक्सेप्शनल रिटर्न्स, अब इट्स नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट एरिया। नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी चीज जब ग्रोइंग होती है ना, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो पोस्ट कोविड लोगों को रिटर्न्स मिले दैट मे बी डबल ट्रिपल समवेयर 5 times, ठीक है, बट उस चीज को बेंचमार्क मानते हुए अब किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अब चीजें डबल ही होती रहेगी, exactly, है ना, exactly. ऐसा नहीं होगा, बट अगर आप ग्रोथ की बात करें तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको आने वाले 10 सालों में मिलेगी, मतलब जो आपको किसी भी और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से बेटर आपको रियल स्टेट रिटर्न देगा। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इट इज नॉट लाइक कि आप उस भ्रम में जिए कि नहीं यार मैं रियल स्टेट में ले लूंगा तो मैं मेरे 1 करोड़ के 2 करोड़ हो जाएंगे 1 करोड़ के 2 करोड़ एक साल में। exactly. तो मतलब मैं मेरी तरफ से वो कभी भी वो नहीं रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको इतनी फास्ट ग्रोथ मिलेगी, बट यू विल हैव वेरी गुड ग्रोथ, ठीक है, मतलब आपको जो एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज में ग्रोथ मिलनी चाहिए उससे काफी बेहतर आपको ग्रोथ रियल स्टेट में मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर, अगर आपका इन्वेस्ट करते हो। हाँ डेफिनेटली, एज कम्पेयर टू अदर products, as compared to other cities, as compared to other countries. Definitely. हाँ जी,
बिकॉज लाइक मैं लाइक अभी लाइक हमारे में ट्रांजिशन आया था कि लाइक पीपल बहुत ज्यादा लाइक मेट्रो सिटीज में मूव कर रहे हैं बट लाइक नाउ बट सिंस व्हेन आई टॉक टू माय फ्रेंड्स जो लाइक अभी मेट्रो सिटीज में उनका एक ही होता है यार भाई जयपुर आके रहना है क्योंकि मैंने पूछता फिर मैं पूछता हूँ लाइक क्यों भाई लाइक मैं तो रह रहा हूँ बिकॉज वी हैव दैट लव फ्रॉम जयपुर की एक वो पीस है एक शांति है सबसे बड़ा जो कल्चर डाइवर्सिटी मैंने जयपुर में देखी है लाइक मैं इतना इंडिया पैन इंडिया ट्रैवल करूँ सारे फेस्टिवल्स जयपुर में सेलिब्रेट होते हैं कम्युनिटी जो है वो आई थिंक उसको वो रियल एस्टेट में बहुत चीज वो पॉइंट कहना कहीं नेग्लेक्ट हो रहा है बट टेक लाइक वो कल्चर वाली चीज आप नहीं मैं आपको बताता हूँ पिछले वन ईयर में हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसमें से ओनली 20-30% लोग जयपुर के हैं Exactly. Will you believe? Okay. Yes. People are from outside. They are from small town of Rajasthan. There are a big list from Delhi NCR जो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ठीक है और कई ऐसे लोग हैं जो चंडीगढ़ तक के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि क्या है दिल्ली NCR के अंदर अब ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि यार रहने के लिए हमें थोड़ा पीसफुल और थोड़ा सा एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए ठीक है मिसिंग है और वो अगर नियरेस्ट अगर आप देखेंगे तो जयपुर ही है तो जयपुर एक ऐसा अभी एपिसेंटर बन रहा है जहां पर सब लोगों को ये लगता है कि यार रहने के लिए जयपुर में जयपुर इज द बेस्ट प्लेस टू लिव एग्जैक्टली है ना एयरपोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी है ठीक है ऑलमोस्ट सारी मेजर फ्लाइट्स यहाँ से आपको मिल जाती है अच्छा लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट इज विद इन सिटी ठीक है नॉट लाइक बैंगलोर हाँ इट इज नॉट लाइक हमें एयरपोर्ट जाना है तो वो भी एक टास्क है ऐसा नहीं है तो वो विद इन सिटी है मल्टीपल रेलवे स्टेशन बन चुके हैं तो कहीं पर भी जाना है तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सिटी स्टेशन में जाने की जरूरत है ठीक है कॉर्पोरेट हब्स बन चुके हैं ठीक है शॉपिंग हब्स बन चुके हैं तो एवरीथिंग यू नीड अच्छे अच्छे क्लब्स बन चुके हैं तो मतलब आप अच्छा अच्छे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बन चुके हैं तो जब वो सारी चीजें यहाँ पर है मतलब ये तो वो सारी चीजें हैं जिसके लिए जिसको अपने लोग जिसकी वजह से सिटी मूव करते हैं एक लाइक बेसिक नीड्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्लस जॉब टॉप ऑफ द लाइन जो कल्चर जो कम्युनिटी जो पीस मिलेगा बस डेफिनेटली मे बी लाइक व्यूअर्स फ्रॉम मुंबई एंड दिल्ली माइट बी डिसएग्री विद अस बट डेफिनेटली उनको यही बोलूंगा कि एक बार आके रहो आप नहीं एक्चुअली हम जयपुर को स्ट्रांगली प्रमोट तो नहीं कर रहे बट रिकमेंड कर रहे हैं है ना हाँ तो हम जयपुर को हम इतने सालों से जयपुर में रह रहे हैं तो हमें कभी जयपुर में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में कभी भी हम लोग ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पर फंस रहे हैं एग्जैक्टली लाइक कम्यूट इजी है कम्यूट इजी है 10 किलोमीटर आप इजीली 15 मिनट में कवर कर सकते हो एंड आई थिंक दैट्स रियली गुड थिंग सो आई थिंक दैट वाज रियली इनसाइटफुल ऑल द डिटेल्स यू शेयर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस रेरा बट पीपल आर स्टिल डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली रेरा मींस एंड is it a good initiative or is it a bad initiative for a buyer of yeah it's a definitely a very very good initiative okay. usse to acha kuch ho hi nahi sakta tha matlab kya hota hai ki buyer ko confidence ki hi to zarurat hai ki bhai usko confidence kaun deta hai confidence koi na koi authority deti hai theek hai yaar tumhare sath kuch galat ho raha hai to tum hamare paas aa jao hai na koi to ho rasta hum kahan jaye hamare sath although abhi tak rera puri tarike se अपने एक्शन में नहीं है मतलब ठीक है रेरा अच्छा कर रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है कई सारे केसेस रेरा ने सॉल्व किए हैं जो क्लाइंट फेवर के थे ठीक है कई बार हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि क्लाइंट ही सही होता है जो बिल्डर के फेवर थे उसमें रेरा ने पूरा इनपुट दिया केस को स्टडी किया राउंड्स ऑफ मीटिंग के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप नाउ धीरे धीरे रेरा अपने आप को भी इम्प्रूव करता जा रहा है अब मुझे ऐसा लगता है और मैं तो रेरा से ये मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप कहीं ना कहीं एंट्री बैरियर पे भी काम कीजिए ठीक है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी को इस इंडस्ट्री में आने से रोकना है हम ये चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो भी ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा है ना उसको गाड़ी चलाना आना चाहिए है ना मतलब ये बड़ा सिंपल क्वालिफिकेशन exactly. है जब गाड़ी चलाने में चार चीजों की जरूरत होती है कि ब्रेक और आपका स्टेयरिंग लीवर ये जो सारी बेसिक चीज है बस वो आनी चाहिए और होगा ऐसा मुझे ऐसा लगता है होगा क्योंकि ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुकी है रियल एस्टेट है ना तो जब इससे गवर्नमेंट को भी बहुत रेवेन्यू आता है ठीक है और सिटी को स्टेट को कंट्री को ठीक है ग्रोथ मिलती है मतलब एक अलग लेवल पे अलग लैंडस्केप पे चीजें चली जाती है exactly. तो इस पे आई एम श्योर के बहुत जल्दी बहुत अच्छे फॉर्मेशंस होनी चाहिए
आई थिंक दैट्स रियली हेल्पफुल. सो लाइक वन मोर क्वेश्चन दैट वी आर हर्ड, जो हमें बहुत सुनने को मिल रहा है आजकल, कि जब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, जब फाइनल रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज वगैरह के हो रहे हैं, सो वो क्या कुछ एक चेक पॉइंट्स है जो एज अ बायर मुझे ध्यान रखना चाहिए कि दोस हैज बीन मेंशन करेक्टली, सो दैट आई कैन सेफगार्ड, क्योंकि दिस इज माय ऑथेंटिसिटी, आई कैन क्रिएट दैट ऑथेंटिसिटी इन द डॉक्यूमेंट. सो लाइक व्हाट थिंग्स अ पर्सन शुड कीप इन माइंड इफ देयर आर. सर देखो, एज अ लेमैन अगर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिटेल में तो जा नहीं सकते, exactly. फिर आपको कोई ना कोई थर्ड पार्टी हायर करनी पड़ेगी टू चेक दोस थिंग्स. बट यस, एज अ लेमैन, हर एक प्रॉपर्टी की एक हिस्ट्री होती है. किसी भी प्रॉपर्टी को आप लोगे तो उसकी एक हिस्ट्री होती है, विच इज कॉल्ड चेन ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि इस जो भी प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ उसकी हिस्ट्री 10 साल 20 साल 50 साल पहले जब से ये स्टार्ट हुई, मानो जेडीए पट्टा है, तो जेडीए पट्टा इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है, अब उसकी हिस्ट्री बनती है, कितने कितने बार ये सेल हुआ, किसको सेल हुआ, उसके बाद कितने बार नाम ट्रांसफर हुए, तो वो सारी चीजें आपको, अगर आप खुद नहीं कर सकते, सो बहुत नॉमिनल फीस के ऊपर देर आर सर्टेन एडवोकेट जो आपके बिहाफ पे पेपर चेक कर सकते. ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट पे. तो आपको चेन डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत है, आपको आपको सेलर के सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी किन कंडीशंस में दी गई है. एग्जैक्टली. ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम कोई प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसका तो बेस्ट वे ये है कि आप उस पर बहुत कम अमाउंट का, लेकिन आप बैंक से लोन ले लो. तो ये जो सारे जो चेक चेक्स एंड वो सारे आपको करना है ना, वो सारे बैंक आपके बिहाफ पे कर लो. ठीक है, क्योंकि बैंक तभी किसी प्रॉपर्टी पे फंडिंग करता है जब वो पूरा सेटिस्फाई हो जाता है. पूरा सेटिस्फाई. सो लाइक मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, बट हो सकता है गलती कभी उधर से भी हो जाए, बट 99% तो जो बैंक प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को अप्रूव कर रहा है, दैट इज लीगली सेलेबल. सेलेबल है ना, क्योंकि उनकी एक अपनी पूरा प्रोसेस है, चेकलिस्ट है. सो द चांसेस ऑफ हैविंग लाइक, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा बड़ा है तो आप पूरा ही कैश मिलो, यू मस्ट गो फॉर, बिल्कुल यू मस्ट गो फॉर बैंक लोन. तो वो थोड़ा सा आपका एक सेफ हो जाता है, सेफ हो जाता है. एंड डेफिनेटली एक रियल एस्टेट एजेंट अगर आपकी इस बाइंग में इन्वॉल्व है, तो फिर ये सारे काम उसके होते हैं. And I think as an audience, अगर आप real estate agent की तो जाते हैं, तो you should also check the history of that real estate agent as well. Like before selecting a good real estate agent, he, what was his past, like because either I can trust this man or not. That is a really good. देखो क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें इंसान चेक कर सकता है. क्या होता है कि आज आप किसी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, उस प्रोजेक्ट, वो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट होता है, रेरा की वेबसाइट पे प्रोजेक्ट की डिटेल बनी होती है, उस प्रोजेक्ट के अंदर उस एजेंट के नाम होते हैं. दैट मीन्स उस बिल्डर ने आपको ऑथराइज किया हुआ है, एंड यू आर द ऑथराइज एजेंट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है, अगर वहां पर नाम नहीं है, पहली बात तो नाम नहीं है, तो आप उस एजेंट से क्वेश्चन कर सकते हैं. Exactly. है ना, कि यार आपका उस प्रोजेक्ट में ब्रोकर्स, मतलब एजेंट लिस्ट के अंदर आपका नाम आपका नाम है ना, तो नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, इफ यू आर सेइंग इट, हां यू आर सेलिंग इट, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एक बायर को देखनी चाहिए. कि अच्छा क्या होता है कि आजकल कोई भी प्रॉपर्टी बेचने के लिए सेलिंग टूल्स क्या है, ऑनलाइन पोर्टल्स हैं. ठीक है, मेजरली ऑनलाइन पोर्टल्स हैं. आज आप भी एक रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हो, और आपने कोई भी एक ऑनलाइन पोर्टल का एक आपने पैकेज खरीदा. एग्जैक्टली, आपने चारों प्रॉपर्टीज पे लिस्ट की, कल से आपके पास कॉल्स आनी चालू हो जाएगी. Exactly. बट वो इनफ थोड़ी है. वो क्रेडिबिलिटी कैसे लाओगे, क्रेडिबिलिटी कैसे लाओगे, क्रेडिबिलिटी तो आपके, यू शुड बी रेरा अप्रूव्ड. ठीक है, रेरा रजिस्टर्ड. उसके अलावा आपके नाम कहाँ कहाँ पर बोल रहे हैं वो भी समझ में आना चाहिए, कि कितने बिल्डरों ने आपको रिकॉग्नाइज किया हुआ है एज अ रियल एस्टेट एजेंट इन योर, इन देयर प्रोजेक्ट. दैट मींस यू हैव दैट गुडविल. ठीक है ना, आई थिंक हां, दैट वो लर्निंग सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल शुड नो योर नेम, यू नेम शुड बी क्रेडिबल इन द मार्केट. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वो तो बेसिक. आई थिंक द वंस दैट यू सेड राइट, टू चेक विद दैट रेरा लिस्ट, आई थिंक दैट इज अ रियली गुड, बिकॉज़ एज अ व्यूअर आई आल्सो डिडंट नो अबाउट दैट, कि देयर आर सम चेकलिस्ट. Like there are some documents from which I can check those things. So I think before anyone hiring any good agent, if they check that, ki whatever that agent is saying, whether it's true or not. Exactly. Then he can go with the agent. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. और कोई भी property आप खरीद रहे हो, वो RERA registered है, तो it is just, यार हम एक मोबाइल खरीदते हैं तो हम चार बार रिसर्च करते हैं, हम कि अपने अपना स्क्रीन टाइम इतना बढ़ा देते हैं उन चीज़ों के लिए. कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम कुछ दिनों तक वही देखते रहते हैं, उसी के रिव्यूज देखते रहते हैं. जब हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें क्या लगता है, एक घंटे तो लगता है उसके पूरे रेरा की साइट पे जाके प्रोजेक्ट को डिटेल देखने में, बुराई क्या है. एग्जैक्टली, कुछ क्वेश्चन हैं तो उसको क्वेश्चन करो, उसको
उसके आंसर्स लो, जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक आगे भी क्यों बढ़े। ये तो चीज़ है जो बाद में प्रॉब्लम करती है, क्योंकि आपने पहले ध्यान नहीं दिया। पहले ध्यान दिया, एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छे एग्जांपल के थ्रू ये एक्सप्लेन करा, क्योंकि जब आप एक छोटे से मोबाइल इसके लिए इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो जो कि आप 2 साल में बदल दोगे, तो जब आप एक घर खरीदे जहाँ पे आप नेक्स्ट 40-50 ईयर्स अपने बिताने वाले हो, वहाँ पे यू शुड नॉट बी लाइक एनी, कहीं भी आपको वो लीकेज नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट्स रियली गुड थिंग, एंड लाइक एज आप इतने टाइम से रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, सो लाइक एक जो मेरा पर्सनल था कि लाइक देर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स दैट वी हैव सीन, लाइक देर हैव बीन 2008 crisis were there, then the GST happened, then COVID happened. So there are many ups and downs happens in the market. So like then they definitely must be a challenging phase for you as well. So like how you overcome from those challenges, and like what you have want to suggest the people ki you, there must be a tough time. Exactly. And how you have came over through that. Yeah, during my career, I had seen 2-3 रिसेशन, यू कैन से रिसेशन हमने देखे थे। रिसेशन में होता क्या है, रिसेशन में चीज़ें रुक जाती है, मतलब रिसेशन में ऐसा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रिसेशन में 100 रुपये की चीज़ 70 रुपये की होगी, इट इज़ नॉट रिसेशन। रिसेशन इज़ दैट कि 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये की और ट्रांजेक्शन होना बंद हो गया, ट्रांजेक्शन होना बंद हो गया। ठीक है, उनमें से कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं जो अंडर वैल्यू बेच के चले जाते हैं। लेकिन सिंस वी वर इन टू एंड यूज मार्केट, हम ज्यादातर हमारा जो क्लाइंट बेस शुरू से रहा वो एंड यूजर्स का रहा है, तो एंड यूजर हर एक स्टेज पे मार्केट में रहे हैं। ठीक है, एंड यूजर्स हमेशा रहते हैं, तो कितने भी रिसेशन आए, कितने भी अप एंड डाउन आए, तो हमने हमारे बिजनेस में कभी बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं देखे। ओके, राइट। लेकिन हाँ, जो लोग, अब क्या होता है यार, कोई सपोज कोई रियल एस्टेट एजेंट है, वो लैंड में डील कर रहा है, ठीक है, और वो लैंड मार्केट में अगर बिल्कुल ही रिसेशन आ चुका है या फिर वहां पर ट्रांजेक्शन होने कम हो गए, तो ये उसकी भी ड्यूटी बनती है कि वो मोमेंटम लाने के लिए एफर्ट्स करें। एक एक इंडिविजुअल एफर्ट्स एक एक करके जब होते हैं तो वो एक कैलकुलेटेड एफर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जब वो हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। Exactly. है ना, मतलब क्या होता है, आज हम जरूरी तो नहीं जो पहली नजर में हमें चीज पसंद नहीं है वो हमने कभी खरीदी नहीं, लेटर ऑन हम हो सकता है कि उसके लिए कन्वेंस हो गए। तो कई बार जिसने सोचा कि नहीं यार अभी राइट टाइम नहीं है, और अगर हम उसको राइट वे में कन्वेंस करते हैं कि यस दिस इज द राइट टाइम, ठीक है, वो दैट डिपेंड ऑन अस कि हम कैसे उस चीज को मार्केट कर रहे हैं। ठीक है, रिसेशन कोई एक ऐसा कोई जादू नहीं है कि भाई उसके बाद काम हो नहीं सकता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर कोई किसी ने लिख के नहीं दे दिया कि भाई रिसेशन हो गया तो बस अब सब घर बैठ जाओ। एफर्ट्स तो फिर भी करना है ना। एग्जैक्टली, तो वो पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ही ला सकता है। एजुकेटेड लोग जब इंडस्ट्री में आएंगे, जब उसको एक अच्छे तरीके से उसको चलाएंगे, जहां पर लोगों के ट्रस्ट लेवल को जीत लेंगे, तो उसके बाद मुझे लगता है कि रिसेशन में भी बाइंग होती रहेगी। Exactly. ठीक है, और हमने कभी भी ऐसा कोई फेज देखा तो है, लेकिन हमने अपने ऊपर फील नहीं किया कभी। ओके, आई थिंक दैट्स कि सिचुएशंस होगी, बट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि ओके टफ टाइम है, जब अच्छा टाइम आएगा वी विल सक्सीड अगेन। हाँ, टाइम मिलता है ना जब मार्केट में अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए टाइम मिलता है। यार आप मानेंगे, जब कोविड टाइम था तो उस समय मैंने अपने आप को सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया, क्योंकि टाइम ही टाइम था। Exactly. ठीक है ना, तब मैंने सबसे ज्यादा स्टडीज करी, सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया मैंने उस समय। आई हैव माय ओन यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैंने कुछ एजुकेशन वीडियोस शुरुआत से मैं डालता हूँ, अभी मैंने कम कर दिया क्योंकि थोड़ा बिजनेस लोड मेरा बढ़ गया था। Exactly. तो वो एक टाइम था जब मैंने मैक्सिमम वीडियोज बनाए थे। हाँ, और मैक्सिमम वीडियोज बनाए थे मैंने, डाले थे, क्योंकि मेरे पास टाइम था। एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो ये मतलब अपना नेचर वाली बात कह लो या कुछ भी कह लो, कि हम कभी भी, क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे हैं ना, हमने कभी सैटरडे संडेज नहीं देखे, है ना। तो जब इतनी लंबी छुट्टियां मिली ना, तो हम फ्री तो बैठे नहीं सकते तो कैसे बैठे, अब सेंस भी नहीं होती। एग्जैक्टली, तो अभी भी अगर कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ लीड्स कम है और अपॉइंटमेंट्स हमारे कम है, तो हम उस दिन कुछ ना कुछ करते हैं, हम ऐसा नहीं करते चलो पार्टी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। As a young audience, as a myself, as a young generation, so like there's one dilemma that I think most of the people will also agree with me, ki when you are in your 20s or 30s,
should you buy your house or should you rent it? Like, what will be your recommendation? Because I think that challenge to me as well, most of the time, yeah, I have that potential where I can buy, not that big, but yeah, according to my potential, I can buy a small house. But is it a right time for me to buy that, to invest that much, or should I just stay on a rent and shift it to a later stage? Punish, kya hota hai? Jis bhi hum early age mein jab bhi hote hain na, to hume exactly nahi pata ki hamara aage further movements kya hone wale hai na? Since you are also a businessman, you are not working somewhere, you have your own company, exactly. You have your own goals, ठीक है, और आपको भी नहीं पता कि 5 years down the line आप कहाँ होने वाले हो, makes sense, है ना? So बहुत early age में I don't recommend to buy house, ठीक है ना? कोई मतलब वो liability, पता क्या होता है, जैसे आप house buy करेंगे तो it is not necessary कि आप self funding से करेंगे, मतलब आप कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है, 80% नहीं लेंगे तो 50% बैंक लोन पे तो आप जाएंगे, ठीक है ना? Definitely. तो जब 50% बैंक लोन पे आप जाते हैं ना, तो वो एक इनडायरेक्ट बर्डन आपके सर के ऊपर आज से आ जाता है, ठीक है ना? Sense. तो अच्छा, आपको मैं अपने व्यूवर्स को और बता देता हूँ कि जो भी हम लोन लेते हैं, ठीक है, हाउसिंग लोन जिसे हम कहते हैं, वहां पर आने वाले मतलब शुरुआत के जो 5 साल होते हैं, ठीक है, उसमें जो मेजर कॉम्पोनेंट रीपे होता है वो इंटरेस्ट का होता है. Okay. आपका प्रिंसिपल अमाउंट उसमें बहुत ज्यादा कम नहीं होता, ठीक है. सो अगर आपने कोई लोन ले लिया, ठीक है, और 5 years बाद आपने डिसाइड किया कि यार अब ये प्रॉपर्टी में बेच देता हूँ, ठीक है, और आप बैंक के पास जाते हो कि ठीक है मैं अपना लोन को रीपे करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल है ना वो हार्डली बहुत कम होगा. Okay. हाँ, मतलब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो ऑलमोस्ट कोई थोड़ा बहुत ही होगा, मतलब आपको 5 साल से आप EMI भी दे रहे हो. Exactly. और आप अब तक ये सोच रहे थे कि यार मेरी EMI से तो काफी मेरा बर्डन हल्का हो गया था. सो मतलब वो आपके फिर डायनामिक्स को खराब कर देगा. Okay. तो अर्ली एज में लेने का ये नुकसान है, ठीक है. तो एक राइट एज जो मैं मानता हूँ प्रॉपर्टी बाइंग की, वो इट शुड बी मिड 30s, है ना, एंड मिड 30s टू लास्ट 30s, मतलब अर्ली 40s वो होनी चाहिए. उसके अलावा तो आई थिंक नाउ या दैट मेक्स सेंस नाउ, बिकॉज लाइक टिल दैट एज यू आर एटलीस्ट सेटल्ड एंड यू नो व्हाट यू हैव टू डू विद योर लाइफ. इन दिस स्टेज लाइक वी आर जस्ट फिगरिंग इट आउट कि ओके व्हाट इज द राइट पाथ फॉर अस, वी स्टिल डोंट नो. सो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग कि दिस टाइम इट शुड नॉट लाइक अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बट आर रेंटल काइंड ऑफ वुड वर्क बेस्ट फॉर आवर जनरेशन. क्या होता है पुनीश जी, एज अ इंडियन सिटीजन, ठीक है, जिस कल्चर में हम लोग पले बड़े, ठीक है, जहां पर हम लोग की अपकीपिंग हुई, जो हमारे इंडिया का कल्चर है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है. जब हम 30s में होते हैं तब हमारे पेरेंट 55s में होते हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 50 to 60 के बीच में, है ना, वो होते हैं. जब हम 40s के हो जाते हैं वो 65 के हो जाते हैं. कभी इसने सोचा ही नहीं, है ना. जब हम 30s के होते हैं, लाइकली मतलब 30 की एक अपन एक मैरिज की एज मान लेते हैं, जब हम 30s के होते हैं तब अराउंड 32, 33, 35 से पहले हमारी फैमिली प्लानिंग हो जाए. बिल्कुल, ठीक है. सो अब आप ये देखिए कि जब आप क्यों आपको 40s से पहले ये सारे काम करने हैं, क्योंकि जब आप 40s के होते हो तो आपके पेरेंट्स हो जाते हैं 60, 65 और 70, ठीक है, तो वहां पर उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना. तो वहां पर आपके इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, आपके टाइम डिवोशन भी होता है. मैं दोनों पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, होम बाइंग की पर्सपेक्टिव में भी, और अगर आप रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं उस पर्सपेक्टिव में भी, ठीक है. सो जो 30 to 40 का जो एक 10 years का जो एक डिकेड का टाइम होता है ना, वो हर तरीके से गोल्डन टाइम होता है, ठीक है. इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, इसमें आपके पास वो लाइबिलिटीज, वो बर्डन थोड़ा कम होता है, आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है. जैसे आप 40 क्रॉस करते हो तो अब योर पेरेंट्स आर ओल्डर, ठीक है, और जो आपके बच्चे हैं वो अब एक थोड़ी सी अपर एजुकेशन में चले जाएंगे, तो वहां पर आपको उनको भी ध्यान देना पड़ेगा. एग्जैक्टली, लाइक एवरी तरफ से आपको फिर एवरी तरफ से आपको टेकन केयर ऑफ करना है, लाइक फाइनेंशियली भी आपके पेरेंट्स को सपोर्ट करना है. सो दे एट दैट टाइम यू माइट नॉट बी इन अ गुड सिचुएशन इन बाइंग दैट थिंग. यस. So mid-30s and before 40, I think that's the 30 to 40, ये 10 years golden period होते हैं life में, चाहे काम करना हो, चाहे आपको investments करने हो, चाहे scale up करना हो, चाहे risk लेना हो. Exactly. ठीक है,
और मतलब यहाँ पर इस एज में आप मेरे हिसाब से अपने सारे गोल्स को पूरा कर सकते हो और करने चाहिए. Exactly. It's like making or breaking. बस वो वाला. Definitely. So, ये 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच सुशील जी लाइक हमारे साथ जुड़ने के लिए. अगर आप और भी कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहो कि कुछ और बताना चाहो और लाइक वैसे तो आपने लाइक जो भी हमारे डाउट्स थे क्वेश्चन थे वो मोस्ट ऑफ द इट सारे आई थिंक सॉर्ट करी दिए. एंड डेफिनेटली लाइक वी हैड गॉट अ वेरी मोर क्लैरिटी नाउ कि लाइक वेदर शुड आई इन्वेस्ट, वे शुड आई नॉट इन्वेस्ट, वेदर शुड आई बाय और रेंट इट, एंड व्हाट डेफिनेटली इफ एनीवन वांट्स टू बी इन दिस इंडस्ट्री व्हाट आर द एंट्री बैरियर्स एंड व्हाट थिंग्स ही शुड बी टेकन केयर इन माइंड बिफोर गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री. बिकॉज बाहर से सब लुक्रेटिव लगता है. But when you actually enter those industry, you have to be prepared for that. As I told, it's a fancy industry. Exactly. Okay. Or it is fascinating as well, right? As a real estate agent, if somebody want to enter in the real estate, ठीक है, मतलब as a agent अगर आप अपना करियर यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली फॉर्मूला यहाँ नहीं है. यहाँ नहीं है. और अब तो कहीं भी नहीं है. अब तो कहीं ठीक है, मेजरली यहाँ तो बिल्कुल नहीं है. यहाँ स्लो का कोई काम नहीं है. मतलब इफ यू आर एक्सट्रीमली फास्ट देन यू कैन ग्रो फास्ट. एग्जैक्ट. ठीक है, सो आपको बहुत फास्ट रहना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन इज अराउंड. एग्जैक्ट. ठीक है, हर जगह पे कंपटीशन है. और आप फास्ट नहीं रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको मतलब लैग हो जाए. अब ठीक है, मतलब किसका पेट कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, मेरा तो मुझे भी नहीं पता कितना बड़ा है, तो मुझे तो बहुत बहुत आगे जाना है. ठीक है, हाँ, तो मुझे भी नहीं पता. मैं आई विल बी रीचिंग 40. ठीक है, बट मुझे लगता है कि अभी है मेरे पास, अभी और करने के लिए एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स अभी भी अवेलेबल है, तो मैं उसको भी और यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा. तो आफ्टर 5 years आई विल बी मोर ऑन कि मैं एजुकेशन की तरफ थोड़ा ज्यादा जाने की मेरी इच्छा है कि मैं लोगों को एजुकेट करूं और वो रियल स्टेट में कैसे हाँ मतलब कैसे अपना करियर बना सकते हैं या फिर एक बायर को क्या करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग, उस तरफ हमारा जाने का थोड़ा सा एक टारगेट है. बहुत ज्यादा नीडेड है, बिकॉज़ जैसा अपन ने बात की, रियल एस्टेट से इतनी बड़ी है, लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री है, बट स्टिल देयर इज नो एजुकेशन, देयर इज नो गाइडेंस, देयर समवेयर वी आर लैकिंग. तो दे नीड टू बी अ पर्सन हु टेक दैट इनिशिएटिव एंड वी होपफुली अज्यूम विल ट्राई टू डू सो, बट आई डोंट नो कितना हो पाएगा, लेकिन विल ट्राई टू डू सो. डेफिनेटली लाइक एवरीवन देयर टू सपोर्ट यू इफ समथिंग हैपेंस लाइक दिस. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपना एक्सपीरियंस का खजाना हमसे शेयर करने के लिए. हमें यकीन है कि हमारे लिसनर्स को इनवैल्यूएबल इंसाइट्स गेन किए होंगे जिन्होंने वो अपने खुद के रियल एस्टेट एंडेवर्स में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस.